हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज की गुड मॉर्निंग सबकी लंगड़ाते हुए हुई थी, स्पेशली भाई मत पूछो, मत ही पूछो। यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, नीचे के पैरों का ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। वॉशरूम जाके आ रही और ऐसे अजीब अजीब से शक्ल बना रही है, बाहर नहीं चला जा रहा है यार। भाई मेरे तो पूरी पीठ दर्द हो रही है भयंकर तरीके से यार। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, पता, बिल्कुल भी नहीं हो रहा कुछ भी। मेरी यार पीठ दर्द हो रही है बस। एक्चुअली क्या, रोज मेरा 1 से 1.5 घंटे कार्डियो चल रहा था तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहा, एकदम रिलैक्स हूँ मैं। देखो उठी थी ना तब बहुत तेज था पैरों में, पैरों में नहीं सिर्फ पीठ में। ये तो पता है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे इसलिए जाए। हाँ हाँ भाई, कुछ नहीं हुआ, एकदम सही हूँ भाई। रात को हो रहा था दर्द, अब नहीं हो रहा यार। अब उतना नहीं है, मतलब ये तो पीठ है मेनली, तो पैरों में तो नहीं हो रहा, पूरा दर्द हो रहा है, हल्की सी नस खिंची हुई है बस। पता है सुबह इतनी भयंकर टॉयलेट आ रही, उठने की हिम्मत नहीं थी और पता भी नहीं मैं करके आ गया, तो होश ही नहीं था। हाँ कहीं बेड पे तो नहीं कर दिया, मौसम आंटी चेक करना, चेक कर जाओ। तो दोस्तों अभी हमारे पास नीचे गार साहब के उधर से कॉल आया है कि आपके लिए ना कोई पेंटिंग लेके आया है, आपसे मिलने के लिए आया है, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। सूरज खा रहा था खाना और कोई तो अपने फोन में बिजी था, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं चली जाती हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हमारे लिए क्या लेके आए हैं। कैन यू गेस व्हाट्स यूनिक इन दिस फ्रेम? इट्स येन शो, इट्स सुयश। ओह या, ओह माय गॉड, वाओ। अरे यार देखना सो यश, कितना ब्यूटीफुल है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कस्टमाइज नेम्स इन आर्ट ऑफ गणेश। वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल। हाउ डू यू रन दिस बिजनेस? ऑन इंस्टाग्राम? फ्रॉम इंस्टा, यस। अच्छा तो आप अपना प्लीज वो बता दो आईडी, जो द गणेश कृपा आर्ट बाय रेबेका। गाइस प्लीज अगर आपको भी ऐसे ब्यूटीफुल, आई मीन कितना सही गिफ्टिंग आइडिया है, अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज प्लीज चेक करना। एंड अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी को गिफ्ट देना हो तो इतना मीनिंगफुल गिफ्ट जरूर देना। इट्स सो ब्यूटीफुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। बहुत ही भयंकर चीज लगी। क्या है, क्या है, क्या है? अच्छा अब इसमें बता क्या क्या आज गणेश जी का बर्थडे भी है। यस, जय हो गणेश जी भगवान। और अच्छा इसमें इसमें कुछ स्पेशल लग रहा है तुझे गणेश जी? और क्या स्पेशल? कुछ छुपा हुआ मैसेज, कुछ भी बताओ। भयंकर चीजें के अंदर आपको नहीं दिख रही, हितेश भी आप भी देख लो। एक सेकंड, कुछ दिख रहा है? देख दिमाग देख मेरा। अरे मैंने बताया अक्षर है और मैंने पढ़ी रात इनके जो ये पेंटिंग है ना, ये अमिताभ बच्चन के घर पे भी है। अब हमारे घर पे भी लगेगी, कितनी सुंदर है यार। दीवार पे कपड़ा, कॉन्सेप्ट तो एक नंबर था, सुयश लिखा हुआ। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं सारे के सारे मार्केट ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए। अब है हमारे पास मुश्किल से 8-10 दिन बचे हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग ट्रिप पे चले जाएंगे, फिर है साहिल भाई की शादी, तो हमें आउटफिट्स, हमारी ज्वेलरी वेलरी कपड़े सब कुछ। कपड़े तो मैंने ऑलमोस्ट सॉर्ट कर दिया, अभी ज्वेलरी सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। बर्फ खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क। और सबको खिलाना सिखा दी, भानु भी खा रहा था बैठे बैठे। ऐसे निकालने का, ये निकल गई, देखो ऐसे निकालने का, ऐसे मारने का, ये आ गई, ऐसे मारने का। निशाना वो जो खा गया उठा के सारी। चलो गाइस आज तो किस डे है? अरे तो दूर रहो। आज पहली बार इसने ना वो परफ्यूमर तुम लगा रहा था कल खुदी में भाई। आज किस डे है? ब्रश तो कर लेते कम से कम आज। अरे वो किस करके आता ना तो ब्रश खराब हो गई। तो उसको बोल देता कि ब्रश तो कर लेती। गुटका खाती है वो। लवर है वो। हम लोग निकल चुके हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ज्वेलरी मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग जा रहे हैं अब एक बहुत ही खतरनाक जगह, बताओ उसका नाम क्या है। तेज भैया मैं नहीं चलूंगी पैदल, मैं पहले बता रही हूँ। हम लोग अभी इसको ले गए एक ऐसे, मतलब ऊपर था शोरूम तो उसको चढ़ा के ले गए, इसके साथ चाल निकल गई। तू ट्रैफिक देख के ऐसे बोलेगी मैं पैदल चलूंगी, मैं गाड़ी में नहीं चलूंगी, मैं चलने की हालत में नहीं। तो चढ़ने में रो दिया, मैं तेरी चढ़ूंगी करके। चल नहीं जाऊंगी। अरे क्या हो गया, सीढ़िया ही तो है यार, मैं नहीं जा सकती भाई। अरे चल ना। अरे चल रहा है यार, मेरे को नाटक कर रही है। देखो कितना ज्यादा सपोर्ट है। सपोर्ट
तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ एक और ज्वेलरी शॉप में, अगर मुझे जैसी ज्वेलरी चाहिए मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ करेंगे और दिमाग लगाएंगे। गाइस हमारी हालत मतलब मेरी तो ऐसी हालत हो गई है जैसे पता नहीं कौन से भाटे तोड़ के आई हूँ। बहुत नींद आ रही है यार, मतलब जब भी आप जयपुर की सिटी है कोई भी ऐसी जगह पे जाओ बस तो क्राउडेड हो, मेरे को तो नींद आना चालू हो जाती है। और आज इतेश मेरे को ऐसी भयंकर भयंकर गलियों में पता नहीं कहाँ कहाँ भूतिया जगहों पे लेके गए, लेकिन यार जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं खुश हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बेकरी जिसपे पार्टी दे रही है बेकरी से, जो भी मैं खाऊं ये कुछ नहीं है भाई, बेकरी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तेज जी ने जिद पकड़ ली बेकरी लेके जाओ नहीं तो घर ही नहीं जाऊंगा, यही उधर जाऊंगा। एकदम उल्टी तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ एकदम उल्टी तरफ लेके जा रहे हैं। यही से आता अपना घर भाई, घर उधर से आता सीधा, उधर से ले लॉन्ग पड़ता, लॉन्ग नहीं पड़ता, लॉन्ग इलायची कर दूंगा तेरी। तो गाइस हम अभी उसी बेकरी पे जा रहे हैं, तो यार इंटरेस्टिंग है उस बेकरी में यार, हमें संजीव भैया ने भी रिकमेंड की थी इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेट्स सी क्या मिलता है। दीदी की जानकार है वो। हाँ मतलब वो हमारी बिल्डिंग में रहती है। आ चुके हैं गाइस हम बेकरी पे और ये पता नहीं क्यों गाड़ी से बाहर ही नहीं आ रहे तीनों के तीनों, और इसको देखो नमूनी को क्या हो गया, दर्द है ना कमर पेट तक पहुंच चुका है, दर्द है अजीब सा, पता नहीं मेरे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। पागल गाइस मैं तो हूँ डाइट पे, तो ऑफकोर्स मैं तो नहीं खाऊंगी, पर कोई बात नहीं देखने में थोड़ी जाता है कुछ। चलो खा लो, क्या खाना आपको, क्रीम रोल पूछो ना उनसे पूछो, क्रोसा तो है, उस दिन क्या कौन सी पेस्ट्री थी वो जो आपने, तो ब्लैक समथिंग कुछ मैम ने मंगवाई थी, ये रही ये रही ये रही ये रही, ये बहुत ही अमे, ये बहुत ही अमे, आई एम टेलिंग यू टेस्ट इसका अच्छा लग रहा है, हां इनको कुछ खास लगा था, कुछ और ट्राई कर लो आप, बहुत सारी चीजें यार क्रोसा ट्राई करो ना, इधर आओ ना ट्राई दिस भाई, हितेश भैया तो आपके ओके रहेगा। तो हितेश भैया ने लिया बेल्जियम चॉकलेट ट्रफल बेल्जियन, भानु तूने क्या लिया, चीज केक खाऊंगा, खा ले भाई खा ले खा ले खा ले, मुझे तो कोई मीठा अच्छे देख के चढ़ा भी नहीं सकता यार, पता लोगों को ऐसे होता है और मैंने ना शुगर कट डाउन कर दी, कट डाउन कर दी, मैं क्या बोलूँ मैंने बचपन से कट डाउन कर रखी है शुगर, मैं खाती ही नहीं हूँ बिल्कुल ही नहीं खाती, ये फालतू मैंने फ्लेक्स किया इसको इग्नोर किया जाए। तो ये लोग खा रहे थे अभी ये लोग लेके जा रहे हैं, रितेश भाई यही खा लेते हैं आप, मैं यहाँ खा लूंगा तो मेरा फिर वहाँ मन बहुत हो जाएगा है रितेश भैया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे फाइनली, और सुनो ब्रेड लेनी है ब्रेड, अगर मेरा जिम का प्री वर्कआउट नहीं मिला तो मुझे मारूंगी, नीचे से मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है, मर जाऊंगी यार, आ जाओ मैं खा जाती हूँ उनको, क्या देख रहे हो लड़कियों के कपड़े, ऐसा स्टोर खोलना है मुझे सुयश फैशन का एक। हाँ गाइस ये काफी बड़ा स्टोर है, हमें वैसे खोलना है। ब्रो बड़ी स्पीड से तू तो जिम के लिए रेडी हो रही है, तो और क्या मैं तो पहले कपड़े, अब मुझे इतनी गंदी भूख लग रही है, इतनी गंदी भूख लग रही है कि बस मैं तो इंसान ही खा लूं। आपके लिए मैं एक चीज लेके आया हूँ, मेरे लिए यार चीज मत लाया यार, अभी कुछ दिनों तक चीज केक लेके आया हूँ, और यार चॉकलेट ट्रफल समथिंग समथिंग, ये वो बेकरी है जो मैम ने बताई थी हम उस पे गए थे, और भाई क्या सेक्सी चीजें थी वो, खोल के तो देख लो खाना मत, अरे खोल के देखो देखा ही नहीं जाएगा, अरे चीज केक लेके आया हूँ सच में आपके लिए, अरे मैं नहीं खाऊंगा यार, यार ऐसा मत करो यार, कल खा लिया यार अब आज नहीं। ये तो हितेश जी का है, ये आपका है, हितेश जी को तो पार कर देता हूँ, भैया पूछ रहा खा के, हितेश जी का तो एक पार हो गया है, खा गया आपका वाला तो बिस्कॉफ, हितेश जी का तो खा गई, हितेश जी इस पे थूकते कोई खा ही ना पाए, लो गाइस खा लो यार, ये उसकी ट्रिक है, ट्रिक जो मैंने सीखी उससे, और ये ऐसे है थूक भाई मार दो आज हालत खराब हो गई, सिटी में तो हटा ले, अरे हां भूल गई भाई, सिटी में हालत टाइट हो गई भाई, ऐसी ऐसी गलियों इतनी पतली पतली गलियों में लेके गए थे, मुझे मिल गया बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गाइस, कोई ये देखी क्या है, हां ये कोई देखी क्या है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के ओएस और मैड एंगल है, ये तो पक्का हमारे लिए ही आया है, इस पे क्या नाम लिखा है, पारस कुमार मीना फ्रॉम रतलाम एमपी, थैंक यू सो मच पारस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हो गया आप लोग सब देते जा रहे हो गिफ्ट, सुबह भी आ रहे हैं शाम को भी आ रहे हैं, खाने की चीज देते जा रहे हैं, ऐसे खर्चा मत करो यार गाइस, आपका ये जो प्यार है ना हमारे लिए ये ऐसे ही बरकरार रही, सबके लिए मून थाल लेंगे आज, ये मेरा इतेश के लिए है, बहुत दिनों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भाई पागल हो गया जी, भोगताल का नाम सुनते भोगताल आएगी ये, पार्टी हो गई अभी तो खा के चले गए यहीं पे कहीं है, दूसरे रूम में चले गए अपने, तो आपने जो भोगताल कह रहे हो उससे सबसे टेस्टी भोगताल होगी, बहुत सेक्सी, अभी आदोगे खाता हूं, खाता हूं तो क्या मतलब है, खाते हैं हां, मम्मी का गुस्सा बहुत जोर से हो रहा था इसका, सही कर दिया सूरज को मम्मी ने, मारो दो चार चाटे काम तो करता है, चिमनी के लिए कम से बोल भी आंटी 50 दिन हो गए चिमनी लाते लाते, आज लाऊंगा कल लाऊंगा, सोने से उठने से खाने से पीने से डोलने से मुझे मारने से और पटलाए करने से टाइम मिले सब करना कुछ काम, तू ला देना, तू ला देता, तू ला देता क्या बोलना, कल ले ला दूंगा कल, इतने दिनों से क्यों नहीं सुन रहा था, तेरे को बोला था चीने में देखा था कि करता ही नहीं, सही बात है यार, तुम जब देखो जब लड़ते ही रहते हो क्या, अरे अंकल ऐसे ही है सारे के सारे, मेरे मन जान खा जाते हैं, अंकल आपके हाथ पर यार ये तो पिंडली, अरे भैया पिंडलियां दर्द कर रही है, मजा आ गया लेकिन कल
पिंडलियों से ज्यादा मेरी पीठ ज्यादा दर्द कर रही है। देखो इसमें क्या अलग है, देखो एक तो घंटी बनी हुई है, पकड़ो पकड़ो बहुत खास चीज है, मैं बता रहा हूँ ना, एक तो घंटी बनी हुई है। क्या बात है, अंकल से तो मुझे उम्मीद तो आप घंटी बनी हुई है यार। हेलो क्या शानदार अंकल, अंकल आपके हाथ से खिला दो एक, खा लेते हैं क्या, देखा आज देख भाई एक छोटा सा पीस, अरे छोटा, अरे इतने से कुछ नहीं होता इसकी बड़ी बॉडी में, रहने दो उसके, छोरे खा लो, अरे तो ये कुछ जहर थोड़ी है यार, मैं तो मीठा खिला रहा हूँ तेरे को, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तेरे को देख किसी चीज का डाउट हो तो एक काम करता हूँ मैं, बता मैं खा के कुल्फी का डब्बा खा लिया, बहुत ही मीठी कुल्फी, मतलब एक खाई तो मेरा जी घबरा, दो डब्बा खा लिया यार, तो क्यों देती है कुल्फी, मैंने नहीं दी, मम्मी लाके दी है, तो आप ही को लाके दी, तो मैं मन नहीं हूं दी लाके दे दी और खुद ही बोली डब्बे खा गए, हां तो मेरे को क्या पता उसमें इतना मीठा आ गया, आप तो एक बार बता दो अंकल का बर्थडे कब आता है, अगर आप इनकी सच्ची बीवी हो तो और झूठी हो तो। आज मैं और रितेश भाई एक स्पेशल आउटिंग्स पे जा रहे हैं, क्योंकि हाँ तो क्या हो गया, तुम में से कोई तो जा नहीं रहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए शर्म, क्यों आनी चाहिए शर्म भाई, हम नहीं खा रहे तो हमें क्यों आएगी शर्म, उठे करम जिम करे और दोस्त क्या गलत है, क्या गलत है, दोस्त क्या खाए तू बता, जिम के बाद क्या खाए, रोटी खाए, रोटी खाए तो भाई इसमें शर्म वाली बात कैसे आई, तो मुझे बताओ वाली बात ही नहीं है, बेचारी एक लड़की कितनी मेहनत करी सुबह से, एक इसको बोला कि डोसा खिला ला, वैलेंटाइन वीक और चल रहा है, फिर भी डोसे के लिए मना कर रहा है, साले डोसे के लिए मना कर रहा है जो 60 रुपए का आता है, अगर तेरे से कुछ और मांग लेते ना दीदी बेचारी क्या क्या कर पाता, हरी उठ भी गया था मैं, मेरे को सपना सूरज ने ना आपको गिफ्ट करा, क्या डोसा नहीं जो आपको चाहिए इस बिल्डिंग में, एक नया फ्लैट 14 तारीख को गिफ्ट करा, वैलेंटाइन डे के दिन ये 14 अगले महीने से अगले महीने की कर ले, लेकिन दे दे। अरे सुन मैं सोच रहा हूँ क्या तो है ना, भगवान देख देवी देता है जो सच्चे सपने होते हैं। अरे इस तो संजीव भैया को सपना ये आया कि तूने मुझे गाड़ी दी है और वो मुझे गाड़ी के पास लेके लेके गए और मैं रोने लग गई, उनको ये सपना है। अरे सुन ना भगवान है ना क्या करेगा, इस सपने अरे कि मैं गाड़ियां और वो फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ, गैस पर है ना, आज गलती से मैंने इसका बैंक अकाउंट देख लिया था 283 रुपीज, मैंने सोचा की जीरो भी होंगे, जीरो 0.00 भेड़ की तेरी, कल वैलेंटाइन डे कल लेके चलो, मुझे नहीं तेरे साथ क्यों बोला तेरे साथ वैलेंटाइन डे, अच्छा फ्लैट लेने के लिए कैसे रेडी होती है, मैंने तो फ्लैट लिया ही नहीं, मैंने कहा अगले महीने की अगली तारीख, मैंने तो इस 14 के लिए बोला भी नहीं था, तो लेकिन 14 तो बोला था ना, तो कोई चीज 14 हो कोई चीज 14 को बोला था, ग्रीडी 14 हो चाहे 13 हो, मुझे दीदी को ग्रीडी पर्सन बोल रहे हैं, अगले महीने मेरा बर्थडे, अपने अपने सेविंग चालू करो, देख रहे हो तुम लोग सपने उल्टे देख रहे हो, ढंग के सपने देखो गाइस, इसको मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, बहुत बड़ा भाई, कितने हजार के पटाखे फोड़ेंगे आपके बर्थडे, भैया दोस्त आ चुका है देश भैया, तो तैयार रेडी में, वो भी आ चुके हैं भाई, आखिरकार सुनता सुनता है ये भाई, सुनता सुनता तू आया, ठीक है बता कौन पहले आया था, मैं हाँ पता है, अच्छा खा लिया आप, ले हम तो देखे हमारे साथ खाओगे, वो तो खाऊंगा ही, ये मैं घर जाके सोच रहा था अभी आ गया कि नहीं, तो नहीं आता बेटा, चलो कोई नहीं, ऑर्डर कर दो ऑर्डर कर दो ऑर्डर कर दो, दोस्तों रात के 12 बज रहे, किचन में इतनी बदबू कर दी है, धुआं कर दिया इसने, क्या मतलब घर किसी जला है, वो नहीं जला, नहीं जला, ये देखो पलटी पलटी पलटी, मैं नहीं वो पलट पलट पलट, चलिए दीदी पता है क्या बोल रही है, मेरे को इसे कराने पसंद नहीं, अरे अरे जा जा जा, ये बताओ ये जला हुआ है, नहीं नहीं ये तो एकदम वही से दिखा, ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया था इस वजह से, बाकी ज्यादा कुछ हादसा नहीं हुआ, शाबाश, तो आपको देखो एक नजारा दिखाता हूँ, देखो आपको ये देखो वो देखो जुआरी को, देखो जुआरी को, और ये देखो हमारे पोज देके बैठे बढ़िया तरीके से, ऐसे भी छोड़ा कर रखता है, कोई भी आया ऐसे लाद दो बड़ा,
अरे भाई ये सराहना है इसलिए, तो जो राजा महाराजा है ना वो हमेशा ऐसे भी है, तो मैं क्या उनके खानदान से हूँ ना, और मेरे में भी कुछ अलग है उनके खानदान की। तेरे ऐश तो आ गए, बस एक चीज रह गई है बात बता।